यार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस लिमिटेड शेयर के बारे में, TTML। देखिए, अगर आप देखें स्टॉक में कंसोलिडेशन जोन हमें इस जगह पर दिख रहा है। ऑलरेडी एक इसने मोमेंटम बनाकर रख लिया इस जोन के अंदर। आप अगर देखें 105 से लेकर 100 रुपये के बीच में इसमें हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीच बीच में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, बट विद अ कंसोलिडेशन जोन। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो है 105 रुपीज़ का। इसने कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रेक कर दिया था, बट हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। सो अब हम है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी। देखिए, इसमें ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप जो अगर डाउनवर्ड में सपोर्ट देखें तो वो 100.85, इसके नीचे अगर जाता है तो हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। बट मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबिलिटी ये रहेगी स्टॉक में कि आप साइड ट्रेंड हमें दिखा सकता है इन द अपकमिंग टाइम। वो कैसे कि अगर ये स्टॉक कल के दिन या परसों के दिन 105 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है इन द अप साइड ट्रेंड और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और आप वेट करेंगे फॉर द कन्फर्मेशन कि एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो इसको ब्रेक करने के बाद, देन आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। टारगेट रहेंगे आपके 105 रुपीज़ से के, इसमें आप जो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 108 रुपीज़ का। आपको अराउंड 108 रुपीज़ का टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। और अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहें तो बिल्कुल इस जोन के अंदर ही बाई कर सकते हैं, बट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100.85 रुपीज़। और वही टारगेट रहेंगे 108 से लेकर 109 रुपये शॉर्ट टर्म के लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट आपके 112 से 113 रुपये के अचीव होते हुए दिखेंगे इस जगह पर। अगर हम बात करें इसमें अगर ये ब्रेकेज हमें देखने को मिलता है इन द अपकमिंग टाइम, ये वाला अगर ब्रेक होता है 116 रुपीज़ के लेवल्स, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम इन द अपसाइड देखने को मिलेगा। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 119 रुपीज़। सो इस तरह से आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एज अ रेजिस्टेंस को ट्रेल कर करके अपनी डेली बेसिस पर इन द अपकमिंग टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाएंगे अगर ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है कल के दिन तो।